नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर राइजेस कोटा में, और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं शुभम शर्मा। मेरे बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, मेरा नाम शुभम शर्मा है, मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय संगठन से हुई है, मैंने अपनी बीटेक एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से की है, मेरी जॉब्स जो है वो मैंने रिको ऑटो के अंदर और स्टर्लिंग विल्सन में की हैं। करंट सिनेरियो मेरा ये चल रहा है कि मैंने एक कंपनी खोली है सीबीस फ्लीवर के नाम से, और ये कंपनी ड्यून बग्गीज और रेसिंग कार्स बनाती है। इस ड्यून बग्गी कंपनी के अंदर हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल्स भी करते हैं ऑल ओवर द इंडिया। इस कंपनी का यूट्यूब लिंक मैंने आपको अपने चैनल के बीच में डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और इस पेज के ऊपर भी दिया है। बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर पहला है कैटिया के ऊपर। हम इसके बारे में आज कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर के बारे में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज आज इस सब्जेक्ट पे आपको मिलेगी, और इस लेक्चर को देखने के बाद डेफिनेटली आपको लगेगा कि इसको देखना वर्थ है। हमारी टारगेट ऑडियंस की बात करें तो टारगेट ऑडियंस हमारी इंजीनियरिंग के वो सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टू फोर्थ ईयर के हैं, फैकल्टी और टेक्निकल स्टाफ्स, मैकेनिकल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, फैक्ट्री वर्कर्स एंड इंजीनियर्स, और वो सभी लोग जो इस लेक्चर को देखना या सुनना पसंद करते हैं। बात करें कैटिया मॉड्यूल की, तो कैटिया मॉड्यूल में हम जो सबसे पहला मॉड्यूल पढ़ेंगे वो है स्केचर। स्केचर के अंदर बेसिकली आपको लाइंस, पॉइंट्स, सर्कल्स, पॉलीगन्स और इन सब इतनी चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, और नहीं होती है तो भी हम इसको एक एक चीज़ को हम सॉफ्टवेयर पे जाके समझेंगे, और समझने के बाद इनको यूज़ कैसे करना है वो भी देखेंगे। और बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको पीपीटी पे नहीं पढ़ाऊंगा, इसको हम बेसिक सीधे सॉफ्टवेयर पे जाकर के ही स्टडी करेंगे। ये बस एक ओवरव्यू देने के लिए है कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, यहाँ पे आपको कुछ डायमेंशंस दिख रही होंगी और कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो इन पॉइंट्स, इन लाइंस और इन डायमेंशन को देने के साथ साथ हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट्स को ईजीली ड्रॉ कर सकते हैं और उसका थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर व्यू बना सकते हैं। तो अब समय आ गया है जिनका आप सभी को इंतजार था, और वो है सीधे सॉफ्टवेयर पर चलना। तो अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पर। हाँ, तो दोस्तों हम लोगों ने कैटिया ओपन कर लिया है, और कैटिया के ओपन होते ही आपको कुछ इस टाइप का विंडो दिखेगा। इस विंडो में आपको स्टार्ट, फाइल, एडिट जैसी कीज़ दिखेंगी टॉप में, और नीचे आपको फाइल की जो कीज़ होती हैं वो एक्सपेंडेड व्यूज़ में दिखेंगी, साथ ही आपको डिसॉल्व सिस्टम का आइकन दिखेगा। अब हमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर शुरुआत करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे टाइप की ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जैसे इंटरफेस, मैकेनिकल डिज़ाइन, शेप्स, एनालिसिस। इनको नाम को पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि ये किस काम के हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर्स, मटेरियल की लाइब्रेरी, कैटलॉग, एडिटर, फोटो स्टूडियो, इस टाइप की कुछ चीज़ें मिलेंगी। और उसके बाद हम आएंगे मैकेनिकल डिज़ाइन पर, तो मैकेनिकल डिज़ाइन में भी पार्ट असेंबली, स्केचर, वेल डिज़ाइन, मोल्ड, 2D, ड्राफ्टिंग, हीट एंड असिस्टेंट, और भी इतनी सारी चीज़ें आपको दिखने को मिलती हैं। साथ में शेप्स के अंदर आप काफ़ी चीज़ें आपको शेप्स में दिखेंगी, फिर एनालिसिस और सिमुलेशन दिखेगा, मशीनिंग दिखेगी जिसमें हम लेथ मशीन और एनसी मशीन के अंदर होने वाले जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं उनका व्यू देख सकेंगे। और उसके बाद एग्रोनॉमिक्स भी आपको दिखेगी, इसमें ह्यूमन बिल्डर भी आपको दिखेगा, आप ह्यूमन बिल्डर की हेल्प से आप कई सारे अपने ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने में हेल्पफुल होते हैं ये। और चूँकि ये बेसिक कीज़ हैं, और ये इतने सारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमको इतनी सारी चीज़ों के साथ खेलने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास। इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल भी देखने को मिलता है, जिसमें डिजिटल का इक्विपमेंट एंड सिस्टम के अंदर आप इलेक्ट्रिकल केबल डिसिप्लिन बना सकते हैं, HVAC डिसिप्लिन बना सकते हैं, प्रिलिमिनरी लेआउट बना सकते हैं, पाइपिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, टर्बाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सर्किट बोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी ट्रसेस का या उसका। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिकल डिज़ाइन। तो मैकेनिकल डिज़ाइन में आपको सबसे पहले आना होगा स्केचर पर, और स्केचर में जाते ही आपको इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें आपसे वो पार्ट नेम पूछेगा
तो पार्ट नेम मैं डाल देता हूँ सैंपल। उसके बाद याद रखिएगा, ये आप अपने डायग्राम को इनेबल हाइब्रिड करिए। इनेबल हाइब्रिड डिज़ाइन करने से, टिक करने से आपको ये सुविधा मिलेगी कि आप बाद में इस डिज़ाइन को किसी पार्ट में ले जा कर के और फिर उस पार्ट को बना कर के आप असेंबली भी ड्रॉ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल सेट्स और ऑर्डर्ड ज्योमेट्रिकल सेट्स हम अंदर इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे और इसको अभी टिक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड में जो डायलॉग बॉक्स का चेक है वो है डू नॉट शो द डायलॉग बॉक्स स्टार्टअप। इसका मतलब आप सब सभी समझ गए होंगे कि किसी भी डायलॉग बॉक्स को आपको दोबारा अगर नहीं देखना तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा रहने दीजिए। तो मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इनेबल हाइब्रिड डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा और इसे ओके कर दूँगा। ओके करते ही मेरे सामने एक स्केचर खुल जाएगा और ये एक बेसिकली पार्ट फाइल ही है। अब इस पार्ट फाइल में मेरे को यहाँ पर एक ट्री जैसा दिखेगा। इस ट्री में मैंने जो अपना नाम दिया था पार्ट को, सैम्पल पार्ट, उस पार्ट के मेरे को तीन प्लेन दिखेंगे, XY, YZ और ZX। जैसे ही आप इन प्लेन पे कर्सर लेके जाएंगे वैसे ही आपको ये प्लेन हाईलाइटेड होते हुए दिखेंगे सेंटर में। नीचे आपके आता है ऑप्शन पार्ट बॉडी का। ये बेसिकली वही चीज़ है, जब आप डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन के साथ जो आपकी ब्रांचेस बनती हुई चलेंगी वो इस पार्ट बॉडी के नीचे ही बनती चलेंगी। स्केच करने के लिए आपको सबसे पहले कोई एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा। अब आप स्केचर के अंदर घुस चुके हैं। स्केचर के अंदर आपको कई सारी कीज़ दिखेंगी, जिसमें कुछ कीज़ होती हैं ऑपरेशन कीज़, इन कीज़ को कहते हैं कंस्ट्रेंट कीज़, और इन कीज़ को कहते हैं प्रोफाइल कीज़। बेसिकली हम इन तीन कीज़ से ही पूरी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें एक एक के बारे में जानना ज़रूरी है। तो साथ ही आपको यहाँ पर ग्रिड की कीज़ दिख रही होगी। ग्रिड कीज़ ओपन करते ही आपको ये ग्रिड स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाएगा, और ग्रिड स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर आपने स्नैप टू पॉइंट किया है तो ये ग्रिड के पॉइंट टू पॉइंट पे ही लाई करेगा। आप कोई सा भी कमांड लें प्रोफाइल का और आपको ये ग्रिड के सेंटर में नहीं जाता हुआ दिखेगा स्नैप टू पॉइंट से। इसको हटा देंगे तो ज़रूर आप इसके सेंटर में किसी भी पॉइंट तक जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं ग्रिड ऑफ करूँगा, मुझे इन सब की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर एक आता है कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड एलिमेंट। कंस्ट्रक्शन, अगर यदि मैं कोई काम कर रहा हूँ और वो मुझे प्रोडक्ट सॉलिड रूप में चाहिए, जैसे मैंने एक लाइन खींची और वो एक सॉलिड रूप में चाहिए मुझे, तो वो मुझे इस पर क्लिक करने से मिल सकती है। अगर मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है तो ये अभी रेफरेंस लाइन की तरह ही यूज़ की जाएगी। मैं चाहे कुछ भी ड्रॉ करूँ, सर्कल ड्रॉ करूँ, लाइन ड्रॉ करूँ, ये मुझे कंस्ट्रक्शन की लाइन के रूप में ही दिखेगी। लेकिन जैसे ही मैं ये हटाऊंगा तो ये लाइन जो है या सर्कल है मेरा, वापस एक सॉलिड लाइन कंकरेंट लाइन के ऊपर आ जाएगा। चाहे आप इसको देखें, चाहे आप इसको देखें। उसके बाद अभी मेरे, आपने नोटिस किया है कि मेरे कर्सर के ऊपर कोई कमांड नहीं आ रही है, इसलिए मैं जाऊंगा और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट को ऑफ कर दूंगा। साथ में जैसे ही मैं सर्कल पे क्लिक करूँगा तो मेरी कमांड्स लाइन आने लग गई। अब आप जो 0 0 देख रहे हैं ये ओरिजिन से लाइन आ रही हैं, ये ओरिजिन से लाइन आ रही है, यानी कि अभी 0 0 पर है। ये ओरिजिन है X0 Y0। जैसे मैं X में मूव करता हूँ तो जो मेरा ऊपर वाला X का कोऑर्डिनेट है वो इंक्रीज़ करने लगेगा, और जैसे जैसे मैं वाई के ऊपर मूव करूंगा तो वैसे वैसे नीचे वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका वो वाई में मूव करने लगेगा, और वाई की प्लेस वैल्यू मुझे दिखाता चलेगा कि मेरा कर्सर अभी एक ओरिजिन से एक्स में कितना दूर है और वाई में कितना दूर है। ठीक है, अब बेसिकली बात कर लें, मैं इनको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट कीज़ हैं। कंस्ट्रेंट की का मतलब काम होता है, हमने जो भी डायमेंशन दी है उस डायमेंशन को वेरीफाई करके उसको सॉलिडिफाई में रखना। जैसे मैंने सपोज़ कीजिए एक लाइन खींची, कहीं से कहीं भी मैं खींच सकता हूँ। अब इस लाइन को अभी आप ये देखिए, इसका कलर वाइट है, इसका मतलब मैं इसको कहीं भी उठा करके इधर से उधर रख सकता हूँ। मैंने सर्कल लिया, इसको कहीं भी मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, इसको उठा करके मैं लेके भी, इसके सेंटर पॉइंट को मैं उठा करके कहीं भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसको अभी रोकना है इसकी जगह पर, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको डायमेंशन देनी पड़ेगी, इसको नाप देना पड़ेगा कि अपनी जगह से ना हिले, जितनी पोजीशन पे ये है उसी पोजीशन पे रहे। तो उसके लिए मैंने कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट कमांड की यूज़ की
करा। और सबसे पहले एक सर्कल को कंस्ट्रेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका सेंटर बताना पड़ेगा। सेंटर मैंने ओरिजिन बता रखा है, और इसकी डायमेंशन देनी पड़ेगी। इसका डायमेंशन मैंने सपोज़ कीजिए डायमीटर दे दिया 139.7 रैंडमली। तो अब ये सर्कल कंस्ट्रेंट हो गया, मतलब अपनी पोजीशन अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चाहे आप इसको कितना भी हिलाएं, किसी भी पॉइंट से पकड़ें, कहीं से भी पकड़ें। हालांकि आपका ये जो डायमेंशन की लाइन है ये ज़रूर हिल सकती है, क्योंकि इसको आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं, इसलिए ये इसको हिलने का मौका दिया जाता है, लेकिन सर्कल अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उसके साथ साथ आता है ये लाइन। लाइन को मुझे अगर रोकना है तो मुझे लाइन को रोकने के लिए क्या चाहिए होगा, एक तो लाइन की दूरी हॉरिजेंटल एक्सिस से कितनी दूरी पर है। सपोज़ मैंने माना ये हॉरिजेंटल एक्सिस से मेरी लाइन है 52.2, अब ये दूरी फिक्स हो गई, लेकिन क्या ये अभी भी हिल रही है और साथ के साथ ये बढ़ भी रही है। तो मुझे पहले तो इसको फिक्स करना पड़ेगा कि ये कितनी बढ़ सकती है। ये 127 होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, तो मैंने 127 कमांड दी। अब ये आगे पीछे ज़रूर हो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती, ये बढ़ेगी नहीं, आगे पीछे ज़रूर हो सकती है। अब मुझे इसका आगे पीछे हिलना भी रोकना चाहिए, तो मैं इसको फिक्स कर दूंगा वर्टिकल डायरेक्शन से। तो ये वाई एक्सिस से इसकी दूरी मैं मान लेता हूँ, इसको मैंने दिया 65। तो अब ये लाइन जो है ये फिक्स हो चुकी है और ये हिल नहीं रही है। इसी के साथ साथ हम बेसिक कुछ कमांड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे कि एक आज के लिए मैं एक आखिरी कमांड का यूज़ और करना सिखाऊंगा आपको, वो है प्रोफाइल कमांड। प्रोफाइल कमांड के अंदर आप एक लाइन और एक सर्कल दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको सबसे पहले इसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट बतानी होगी। आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, उसके बाद इसको आप किसी भी डायरेक्शन पर किसी भी एंगल पर लेके जा सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने इसकी डायमेंशनिंग अभी नहीं की है, मैं इसको ड्रॉ करने के बाद इसकी डायमेंशनिंग करूँगा, लेकिन हाँ मैं एक आइडिया ले सकता हूँ कि अभी मेरी लाइन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 63.39 mm की लाइन है। उसके बाद जब इसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अपना सेकेंड लोकेशन चूज़ कर लेगी, इनिशियल पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के फाइनल पॉइंट को ही मान करके एक और लाइन ड्रॉ करने के लिए कहेगी। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस मेरा चलता रहेगा जहाँ तक मैं चाहूँ। इसको मैं हॉरिजेंटल भी कर सकता हूँ, अगर आपने इसको हॉरिजेंटल करा है तो ये ब्लू लाइन से शो करेगा, और इसको वर्टिकल करा है तो भी ब्लू लाइन से शो करेगा, लेकिन अगर आपने इसको किसी एंगल पे रखा है तो ये वाइट लाइन में ही शो होगा। अल्दो क्लिक करने के बाद ये सारी लाइनें वाइट हो जाएंगी क्योंकि इनकी डायमेंशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं सर्कल की, तो जहाँ से मुझे इसको सर्कल बनाना है वहाँ से पॉइंट को मेरे को माउस के पॉइंट को मेरे को क्लिक करके रखना पड़ेगा और इसे डायमेंशन को लेके जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं। मैंने इस पर क्लिक करके रखा है और इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ। जब इस टाइप का आपका रेक्टेंगल आपके सामने आने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आपका सर्कल स्टार्ट हो गया है बनना। वो मुझसे छूट गया था, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। और आप इस सर्कल को जितना क्लोज करना चाहें उतना क्लोज कर सकते हैं। इसको आर्क में देना चाहें तो आर्क भी दे सकते हैं, ये एक ऑप्टिमम डायमीटर बता देगा कि आपका रेडियस कितना चल रहा है, वाई से आप कितनी दूरी पर हैं, आप आकर्षण वाई से कितनी दूरी पर है, और इस पॉइंट से अभी राइट नाउ कि इस पॉइंट से अभी कितनी दूरी पर है। जैसे आपको इसकी ओरिजिन देख लीजिए, ये यहाँ से माइनस पॉइंट शो कर रहा है, मतलब ये उसी पॉइंट पर आ चुका है। अब जैसे जैसे आप बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे ये बढ़ता चलेगा। जैसे ही आप इसके पैरेलल आ जाएंगे तो ये हाफ सर्कल आपका पूरा होता है, ये आपका क्वार्टर सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल या हाफ सर्कल इसको कह सकते हैं, और ये थ्री क्वार्टर सर्कल आपका पूरा होता है। इसी के साथ आप इसको जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पर इस सर्कल, आप इसको ज़रूरी नहीं किसी क्वार्टर में करें, किसी सेक्टर में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और छोड़ते ही आप वहाँ से वापस से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है, तो जहाँ तक है पॉली लाइन एंड सर्कल प्रोफाइल कंटेनिंग लाइन आपको समझ में आ गई है। इसे आप सर्कल और ये एक सर्कल और लाइन का, सर्कल और लाइन का मिक्सचर है ये डिज़ाइन, तो आप इनको हटा सकते हैं। हालांकि अभी ये अलग अलग लाइन ही शो करेगा, सिंगल लाइन कैसे शो यूनिट करते हैं मैं आपको बताता हूँ इसमें, लेकिन वो अगले लेक्चर में हम लेंगे वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जहाँ तक है आपको ये समझ में आया, अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है आपके साथ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारी कीज़ हैं, हम एक एक कमांड को समझेंगे, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही ये सिलेबस पूरा होगा मैं आपको बताऊंगा कि ये इसके साथ इसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट कहाँ से आपको मिलेगा और इसके
क्लासेस के बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, जिसको पार करने के बाद आप मुझसे सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ, इसी नोट पर हम ये क्लास बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन के लिए जुड़े रहिएगा और प्लीज़ इसको रिवाइज़ करते रहिएगा। थैंक यू।